अरे हाँ बेबी, आज मुझे बहुत मजा आया तुमसे मिलके। अरे मेरे हस्बैंड घर पे वेट कर रहे होंगे ना, इसीलिए जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। अरे ये तो हमारे पड़ोस वाली वही लड़की है ना कविता, अरे अभी अभी तो इसकी शादी हुई है 6 महीने पहले, और विकास को ये इतना बड़ा धोखा दे रही है। अरे बाहर इसका किसी के साथ नजायज संबंध भी है? जी 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 हाँ हाँ, मैं मिलने आऊंगी ना जल्दी। अब संडे को इनकी मीटिंग है तो ये बाहर चले जाएंगे, तो संडे को तुमसे मिलने आऊंगी। अब देखो प्लीज तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो, वरना मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ, करती हूँ बात तुमसे। ओके। अरे कविता, तुम्हारा बाहर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? अरे हरीश अंकल, आप, मैं आपकी कैब में आके बैठ गई, सॉरी मुझे पता ही नहीं चला, मैंने देखा ही नहीं आपको। अरे कविता, तेरे बारे में मुझे सारा कुछ पता चल चुका है, तू ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलके आ रही है, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। अरे विकास कितना शरीफ है, और तू उसे धोखा दे रही है। मैं ना विकास को सारा कुछ बताता हूँ जाके अभी। नहीं नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं आपको सब समझाती हूँ, प्लीज बाहर चलिए, मैं सब बताती हूँ आपको। देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मेरे हस्बैंड को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, मुझसे गलती हो गई। अगर आप उन्हें कुछ बताएंगे तो मेरे घर पे बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, और जो समाज में बदनामी होगी वो अलग। यही तो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और ये अफेयर, अगर तुम्हारा पहले कोई अफेयर चल रहा था तो विकास जी को पहले बता देती ना। मैं मानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, पर ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है। शादी से पहले एक लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में थी, और टाइम स्पेंड करते हुए उसे हम दोनों की प्राइवेट फोटोज ले ली, और शादी के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी तो मैं ये फोटोज लीक कर दूंगा और तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसी धमकियों के बाद मैं उससे मिलने चली गई ताकि मेरा घर बचा रहे। मैं सच में दिल से सिर्फ विकास जी से ही प्यार करती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी है। देखो भाई, वो जो कुछ भी है ना, मुझे इससे क्या, वो सब छुपाने के लिए ना तुझे मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे। क्या 20 लाख? हाँ पूरे 20 लाख। अगर तू 20 लाख दे देगी तो मैं तेरे पति को कुछ नहीं बताऊंगा, अगर पैसे नहीं देगी ना तो ये बात जाके मैं सबको बता दूंगा, खास करके विकास जी को। अंकल एक तो मैं पहले से ही ब्लैकमेल हो रही हूँ, ऊपर से आप भी सेम चीज कर रहे हैं। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज ये सब मत करिए। मैं ना मौके की तलाश में था कि कभी कोई ऐसा मुझे मौका मिले पैसा कमाने का, और अब जब मुझे मौका मिला है, कब तक मैं कैब ड्राइवर बन के रहूंगा? मुझे अच्छा मौका मिला है पैसा कमाने का, चुपचाप मुझे 20 लाख रुपए दे दे, वरना मैं जाके ना तेरे पति को सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, मैं जैसे भी करके मैं गहने बेच के किसी भी तरीके से आपको पैसे अरेंज करके दे दूंगी। आप मुझे प्लीज 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, प्लीज। ठीक है, तेरे पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, पैसे दे देना वरना। हाँ आएगा मजा, सिर्फ ब्लैकमेल करके ही ना फ्री के 20 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे। कहाँ रहेगी ये लड़की, पता नहीं कब आएगी। आगे तुम, ये लीजिए बैग, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। हाँ प्लीज मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात किसी को मत बताइए। अरे ये बैग तो खाली है, तू बेवकूफ समझ गया क्या मुझे? बेवकूफ ये नहीं बल्कि बेवकूफ तो आप समझते आ रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ये सब घटिया हरकतें करते हुए, पड़ोसी होने पे कलंक है कलंक आप। अरे विकास बेटा मेरी बात सुन, तू मुझे गलत समझ रहा है, अरे तेरी बीवी ने तुझे धोखा दे रही है। बस कोई धोखा नहीं दे रही है वो मुझे, अगर वो मुझे धोखा दे भी रही थी ना तो उसके बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे, अरे अरे क्या कर रही हो तुम, खड़ी हो जाओ, मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, और शादी के बाद अब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मिलने के लिए बुलाता है और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है। कविता तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ये बात इस डर से छुपाई कि कहीं आपको पता चल गया तो आपका दिल ना टूट जाए, आप मुझे छोड़ ना दो, और अगर ये बात का खुलासा हो गया तो घर परिवार में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कविता इस डर से कि मुझे पता चल जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई,
उसके साथ तुम्हारा अफेयर शादी के पहले था, शादी के बाद नहीं, तो शादी के बाद तुम उसके पास क्यों गई? अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं तुम्हारे साथ ये सब ना होने देता। यही तो मुझसे गलती होगी। आपको पता है वो जो हरीश अंकल वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, कैब चलाते हैं जो, उन्हें भी ये बात पता चल गई है और वो भी मुझे अब ब्लैकमेल कर रहे, मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहे इस बात के लिए। आजकल लोगों में दरिंदगी कितनी ज्यादा बढ़ गई है पैसे कमाने की, औरतों की रक्षा करना तो छोड़ो, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनसे पैसे हेट सके। तुम घबराओ मत, इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले करूंगा और ऐसी सजा दिलाऊंगा ना, इनका किसी लड़की के साथ ये सब करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तुम चुप हो जाओ, रो मत। अरे शर्म आती है मुझे आपको अपना पड़ोसी बोलते हुए भी। अगर मेरी बीवी के अफेयर के बारे में आपको पता चल गया था तो आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? आखिर मुझे बताते ना, आपने क्या किया, मेरी बीवी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे 20 लाख रुपए मांगे ये बात को छुपाने के लिए। अगर इसके साथ वो लड़का गलत कर रहा था ना तो आप भी ये सब करके कोई ठीक हरकत नहीं कर रहे थे। पुलिस के सायरन की आवाज सुन रहे हो? पुलिस को मैंने पहले ही बुला लिया था, ये हमारे घर का निजी मामला था तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। अब बताता हूँ कि ब्लैकमेल करने का नतीजा क्या होता है, चलो मेरे साथ। अरे विकास बेटा, अरे विकास बेटा, अरे अगर आपके पास्ट की गलतियां आपको प्रेजेंट में तंग कर रही है ना तो बिना किसी घबराहट के उन्हें अपने पार्टनर को बता दीजिए। जितना आप उन्हें छुपाएंगे उतना ही वो आपके रिलेशन को ख़राब करती जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।